अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। संडे का दिन है और हम जा रहे हैं, बहुत गर्मी है, तो हमने कहा जरा वो उधर उस साइड पे चलते हैं, वो जो मनाल की साइड टुवर्ड्स पहाड़ वगैरह। मनाल बहुत गर्मी है वैसे, सीरियसली। हाँ, थोड़ा सा जरा फ्रेश हो जाएगा और माहौल थोड़ी साथ शाम भी हो रही है अभी, तो मैं हमने कहा चले हैं। ह्यूमिडिटी है ना एक्चुअली, दैट इज व्हाई ज्यादा वो फील होता है कि इतनी गर्मी है। या टेंपरेचर तो वैसे कम नहीं है, तकरीबन 34 डिग्री, दिस इज अ लॉट ऑफ टेंपरेचर इस्लामाबाद। हालांकि इस्लामाबाद में सितंबर काफी प्लेजेंट हो जाता था, लेकिन इस साल गर्मी बहुत ज्यादा है। यप। तो जी चले देखते हैं, थोड़ा ऊपर का मौसम देखते हैं, मिलके चलते हैं। और तो वहाँ जा रहे हैं और मेरे ख्याल में कोई मुझे भूख बहुत लग रही है। ज़्यादा खूबसूरत है यहाँ की ट्रीज, और ये मुझे ये प्रॉपर पहाड़ी इलाके की एक लुक आ रही है, फील आ रही है। क्या खूबसूरत सीन है सनसेट का, और सामने ही सनसेट हाई। वाह, और ये सनसेट हाइट्स, सनसेट हाइट बुकिंग भी हो रही है ना। मरियम हम हरी कहाँ है टेबल, कहाँ है, वेयर इज आवर टेबल। ओह चल गाइस, ये जो है ना मनाल और ला मोंटाना, उससे 4 किलोमीटर आगे था, 10 किलोमीटर आ गया। नहीं, 9-10 किलोमीटर मनाल से। हाँ, सिक्स सेवन थोड़ा सा आगे ये है, इसका नाम है हाईलैंड एंड इट्स अ ब्यूटीफुल रेस्टोरेंट। टेरेसेस पे बना हुआ है, जैसे एक यहाँ बैठे रहे, फिर थोड़ा ऊपर, फिर थोड़ा साइड पे भी दिखा दूँ मरियम, बहुत अच्छा व्यू है। और बाबा को भी दिखा दो। खाने का इंतज़ार करते करते सनसेट से ये मून राइज हो गया। ये देखिए गाइस, खूबसूरत चांद। वाह, ये हम वेट कर रहे हैं खाने का। क्या लेके आए हैं? कैंडी। कितने का दे रहे हैं? $100 1 for 100 इतना महंगा? वो जगह ऐसी है ना,
गाइस ये यहाँ पे हमें कॉटन कैंडी मिली है 100 रुपए का एक। इसे दबा दोगे तो पिचक जाएगा ये। ये जरा चखाओ पहले, बचपन की याद आ गई। आपने कभी खाई है पहले? थोड़ी दफा। एक्चुअली ये चीनी की बनी, बचपन नहीं होता बचपन होता है, चीनी की बनी हुई है। हाँ एक साइड से खोलना थोड़ा सा, बस थोड़ा बस चखो कैसा है। चीनी जैसा बाप चखो। कैसे बिल्कुल लग रहा है कॉटन कैंडी खा क्या कह रही है? बहुत भूख लगी हुई है तुम्हें? नहीं लगी हुई है? कब लाएंगे ये खाना? They said 40 minutes. बहुत भूख नहीं लग रही? बहुत लग रही है मरियम, जरा जूम करके पीछे वाला एरिया दिखाओ। आपके कपड़े बड़े अच्छे लग रहे हैं। बहुत दफा पहने हुए, ऐसे ही उठ के आ गई। बहुत अच्छे लग रहे हैं। आई डिडंट इवन चेंज। ड्यूटी किया तो था सुबह। ये तो मैंने नॉर्मल वो घर वाले पहने थे। हाँ फिर भी अच्छी लग रही है। भूख बहुत लगी हुई है इसलिए मैं तो रायते से ही थोड़ा सा अपना तसल्ली कर लेती हूँ। मज़े का है, रायता 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 सा लग रहा है। क्या खा रहे? खाना तो आया नहीं है, रायता ही खा रहे हैं। लेकिन इसे पेट तो भर लेना। दही से ही पेट भरता है। लेकिन भूख तो खराब हो जाएगी ना? एंजम भूख नहीं खराब हो जाएगी? थोड़ा सा खा के बस कर रही हूँ, पहले वेट कर ले। पहले वो तुमने कॉटन कैंडी खा ली, अब ये खा रही? वो तो एपेटाइजर था। चलो ठीक खाना मेरा गया है गया है। मुझे आप नमाज पढ़ा है? पढ़ा है। अच्छा जमात हो रही थी। ये है हमारी मिक्स ग्रेवी प्लेटर। बच्ची ये ले जाओ। ओके दो डाइट कोक थे, मक्खन कढ़ाई मक्खनी, और ये मिक्सचर विद राइस था, तो राइस का है। ये हमारी मिक्स ग्रिल हो गई, ये हमारे नान हो गए, कढ़ाई हमारा रायता है, और चटनी भी दिखाइए। ये लीजिए चटनी, तो भूख हमें बहुत लगी हुई है। चलें जी करें बिस्मिल्लाह। ठीक है रिब्स एंड फ्लोर जी, मैं तो रिब लेने लगा हूँ जी। फिश है, ये मैंने पूरी नहीं ली। दो डाइट कोक थे और एक बाबा आपका फैंटा मैंने किया था। दो डाइट कोक एक फैंटा। रिब और बची है मामा, ये हमें हाफ अप करनी पड़ेगी। नहीं नहीं हम दोनों हाफ नहीं, इट्स ओके आप लोग ले लो। कैसा है मुजीब? गुड, अच्छा है टेस्ट। फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं यहाँ का खाना। नान कैसे हैं ये? आई लव दिस करवंजी नान। कैसा है मरियम? गुड। कैसा है? अभी मैंने चाम तो अच्छी है। फिश ट्राई करते हैं और ये इनका मेरे ख्याल में सीख कबाब ट्राई करके बता दें। कबाब अच्छा? कबाब इनका जैसे होता है ना नरम सा,
good. To try this rice also, no? Looks good. Is it good? Good. चलें ये हम फंस गए मनाल के रश में। आप लोग देख रहे हैं कि अंधेरा भी हो गया, रात भी हो गई है, डिनर हमने कर लिया है। बाकी बल्लू आप बताओ। बाकी हम ये मनाल के रश में फंस गए हैं, हॉर्न हैं, बाबा बार रहे हैं। मुझे बड़ी फ्यूरियस ड्राइविंग हो रही है यार गाइस, बड़ी फ्यूरियस ड्राइविंग हम कर रहे हैं इस वक्त। हाल ना पूछे देखा ना कैसी जगह आप इस बारे में कुछ। और इट वॉज अ न्यू प्लेस। फिर दोबारा बता देती हूँ, मनाल से आगे जो ला मंटाना है उससे भी आगे जो है इट्स कॉल्ड हाईलैंड। अच्छा है, थोड़ा सा एम्बियंस अच्छी है, ऊंचाई है जरा, मतलब थोड़ी राइड ऊंची है और ठंड भी थी, गर्मी कम हो गई, फ्रेश हो गई, मजा आया। अभी घर हम जाएंगे, फिर हम चाय बनाएंगे, इसलिए आप सब को हम इधर ही डाटा करने लगे हैं क्योंकि मरियम चाय बनाएगी वो देखने के काबिल होती नहीं है। हाँ मामा लो ना पे जरा आपका मुंह कराऊं, अभी मैं नजर ही नहीं आ रही हूँ। खैर जो भी है, बताइए कि जो आपने चाय बना के हमें देनी है उसके बारे में कोई। बहुत अच्छी मैं चाय बनाती हूँ। हाँ जी, मेरे ऊपर यकीन रखिए। अच्छा तो चाय होगी, दूध पत्ती होगी, क्या होएगा? कड़क चाय। तो ये बाबा को मैं ज्यादा नहीं बुला रही क्योंकि बाबा इस वक्त को बड़ी गंभीर किस्म की ड्राइविंग हमारी, ये देखें रोड के ऊपर जी। मुजीब आराम से चलाएं, मैं बाबा से व्हीकल टेक अवे करने वाली हूँ। मुजीब आराम से चलाएं, बेगम क्या कह रही है सुनने, मुजीब आराम से चलाएं, अरमान से चलाएं, अरमान से। तो गाइज हमारे लिए दुआ करें कि हम आराम से पहुंच जाएं वैसे, लेकिन ये है कि रश पहले से कम है और ये आप जैसा कि देख सकते हैं। तो इसी तरह जहां जहां हम जाएंगे आपको दिखाएंगे। ये क्यों गया है? तो आप हमारा इसी तरह ही हमारे साथ रहिएगा इंशाल्लाह, फिर आपके पास आएंगे किसी नए अच्छे ब्लॉग के साथ। Till then, take care of yourself. Do subscribe, like, and share my videos. I love you all. Allah Hafiz. Bye. तो जी ये आपको हम व्यू दिखा रहे हैं, रात का व्यू इस्लामाबाद का। मुझसे नहीं बनता व्यू गाइस, जो नजर आ गया बस वही है। ये ले जी, ये ले, ये व्यू देखें जी रात का। और ये बाबा ने यहाँ गाड़ी किधर रोक दी, क्या हो गया? ये प्लीज गाइस देख लें, प्लीज देख लें, पीछे बहुत हॉर्न पड़ रहे हैं, पीछे बड़े हॉर्न पड़ रहे हैं, हमें मार भी पड़ सकती है इस बात पे। ये बाबा ने स्पेशली गाड़ी यहाँ पर, वाह जी वाह। ये देख लें जी, ये है जी पूरा इस्लामाबाद है जी, ये देखे। दैट्स इट, अगेन गुड नाइट। लीजिए हजरात, ये हम लैंड करने वाले हैं, हमारी जो फ्लाइट इस्लामाबाद लैंड करने वाली है। वैसे इस्लामाबाद ही बहुत प्यारा लगता है मुझे, पहले तो सिर्फ दूसरी कंट्रीज प्यारी लगती है नीचे से ऊपर से। गाइस मरियम ने जो है ना, मरियम ने खाना ज्यादा खा लिया, थोड़ा सा मरियम चल गई है, टूरी हुई है आज। नहीं अच्छी लग रही है लाइट ना, ये ऊपर चांद भी है गाइस, जो सीडीए के चांद जी। मरियम और बाबा एक दूसरे को गलत एड्रेस बता रहे हैं और आई थिंक ये कोई आइसक्रीम लेने के चक्कर में है। हम ये हमें मेन्यू दे गया, लाइट जला दे। कुकी मॉन्स्टर डेयरी मिल्क फिक्स
ओरियो, किटकैट, बाउंटी हंटर। ये कोन फॉर्म में नहीं है? कोन फॉर्म में भी मिलती है, लिखा हुआ है ना कप कोन। और बाबा चॉकलेट कौन सी डलवानी है बेटा? वो टॉबलरोन। टॉबलरोन नहीं है, M&M, किटकैट, स्निकर्स, मार्स, बाउंटी। स्निकर्स अच्छी है। हाँ अच्छा, एक्सक्यूज मी, एक ही नटी स्वर्ल कर दें कोन में, एक वनीला के साथ, चॉकलेट के साथ, वनीला के साथ, वनीला नटी स्वर्ल कोन और में, और दो वनीला स्वर्ल कर दें कप, वनीला स्वर्ल कप जी दो, और दोनों के ऊपर स्निकर्स। पहले मुझे आइसक्रीम से खुदा हाफिज कह दें, पहले नहीं, पहले आप आइसक्रीम से खुदा हाफिज कर दें। ओके जी, here we are, khuda hafiz, ice cream wala।